हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज वाली वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्पेल फैक्ट्री, जो न्यू स्पेल आई है लाइक इनविजिबल स्पेल। इसका पर्टिकुलरली यूज आपको कैसे करना है या आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं, इसका क्या वर्क है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटेड था। तो अपन डीपली एक्सप्लेन करने वाले इनविजिबिलिटी स्पेल को, जो कि मैक्स वाली है, एंड मैक्स का क्या यहाँ पर स्टेट से रहने वाला स्पेल। ड्यूरेशन 4.5 सेकंड, मतलब ये रहने वाली है ऑलमोस्ट 4.5 सेकंड तक। कोर्स वगैरह तो है नहीं कुछ इतना इफेक्ट, एरिया स्प्लैश है, ग्राउंड एयर कुछ भी। तो चलिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चैलेंज करता हूँ अपने सेकंड अकाउंट से इस स्पेल को देखने के लिए। चैलेंज आ चुका है, अटैक में अपन एडिट आर्मी करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मैं 4 इनविजिबल स्पेल ले लेता हूँ, सेव करके अटैक करता हूँ। आर्मी कुछ भी है, जस्ट यू ट्राई करना है अपन को, एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या होने वाला है। तो जैसे ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे, तो अगर मैं यहाँ पर अपनी आरसी को डिप्लॉय करता हूँ और आरसी के ऊपर डाल देता हूँ इनविजिबल स्पेल, अब मेरे को वो स्पेल कुछ इस तरह से डालनी होगी कि एनिमी के जो डिफेंसेस है उनके ऊपर वो ना गिरे, वो केवल मेरी आरसी को प्रोटेक्ट करे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ सिंगल टारगेट पे डाली, यहाँ पर देख सकते हो ये डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने यहाँ पर कर दिया इनविजिबल स्पेल। आप देख सकते हो यहाँ पर क्वीन भी टारगेट में है एंड यहाँ पर सिंगल टारगेट इन्फर्नो भी टारगेट में। मैं वापिस से करूंगा तो अब किंग इनविजिबल हो गया, तो बट सिंगल टारगेट इन्फर्नो यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया मेरी आरसी की तरफ से, एंड एक और इनविजिबल स्पेल एंड यहाँ एबिलिटी यूज हुई पर वो किंग है। तो शुरुआत में आपने देखा कि वो क्वीन को भी टारगेट कर रही थी, वो सिंगल टारगेट इन्फर्नो को भी टारगेट कर रही थी। तो अगर आप देखोगे ना तो लॉट्स ऑफ डैमेज यहाँ पर डील कर दिया है अपना स्पेल की वजह से। तो अगर आपको यूज करना है ना, तो बस आपको देखना पड़ेगा आपको कहाँ ये यूज करना है और किस तरह आप ये यूज कर सकते हो। चलिए अभी मैं थोड़े बहुत अलग अलग टाइप से एग्जांपल देकर आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। चलिए वापस से चैलेंज आया है, आर्मी कुछ भी, अब मैं थोड़ा ट्रुप वाली आर्मी लेता हूँ, जैसे कॉपी करंट आर्मी करके सेव कर देते हैं, हाइब्रिड में एडिट आर्मी करते हैं एंड अपन हाइब्रिड के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ये मैं पूरा अटैक करने वाला हूँ, तो कॉम्बिनेशन में 2 हील है एंड 2 फ्रेजेस है, 3 रेज है, तो 1 रेज अपन कम करके 2 इनविजिबल स्पेल लेकर अटैक करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वीन वॉक में किस तरह हेल्प करने वाली है इनविजिबिलिटी स्पेल। तो अभी अपने पास 2 है एंड मैं करने वाला हूँ क्वीन वॉक वर्सेस सिंगल टारगेट इन्फर्नो। अगर सीधा सिंगल टारगेट इन्फर्नो की तरफ से एंट्री लेते तो क्वीन वॉक का क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले वॉल अपन को ओपन करनी है, अब अपन डिप्लॉय करेंगे क्वीन, 1 लून और हीलर्स एंड यहां पर मैं कर दूंगा इनविजिबल। देख सकते हो सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने टारगेट में ले रखा था क्वीन को, मैंने कर दिया इनविजिबल, सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने टारगेट में लिया नहीं। अब वापस से टारगेट में लिया, मैं वापस से इनविजिबल स्पेल डाल दिया तो फिर से वो टारगेट में नहीं लिया। क्वीन अपना पार्किंग कर रहा है इजिली एंड आगे की तरफ आ रहा है। अब अपने पास फ्रीजेस है क्योंकि इनविजिबल स्पेल एंड हो चुका है, तो एक बोल सकते हो इनविजिबल स्पेल सिंगल टारगेट इन्फर्नो से क्वीन के लिए काफी अच्छा प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकता है। एंड क्वीन वॉक को आपको जहां से लेकर जाना है, जिधर लेकर जाना आप उधर लेकर जा सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए रेज कर लेते क्वीन को एंड ये अटैक परफॉर्म करते हैं। ये हाइब्रिड अटैक है एंड न्यू लॉग लॉन्चर अभी अपने पास नहीं है, बट कोई बात नहीं, यहाँ मैं डालूंगा किंग, यहाँ डालेगी अपन अपना सिच बैरक एंड क्वीन आ चुकी है नीचे वाली साइड, मतलब पूरा पार्किंग में फनल क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से भी आप क्वीन वॉक में भी जो इनविजिबिलिटी स्पेल है काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए बोल सकते हो होने वाला है। सो या यूज कर दिए अभी अलग अलग टाइप से, जैसे ये ग्राउंड अटैक में क्वीन वॉक में अपन ने यूज किया। बेसिकली इसका यूज करना थोड़ा टिपिकल होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से एरिया में ये डिप्लॉय करना है। अगर आप ऐसे एरिया में कर देते हो जहाँ ऑलरेडी हैवी डैमेज वाले डिफेंसेस है तो वो डील करेगी, वो डैमेज देगी ऑफकोर्स। एंड यहाँ पर अपना आर्मी उधर जा चुका है, पूरा फनल क्रिएट है, अपन यहाँ पर अब हॉग और माइनर डिप्लॉय कर लेते हैं, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एबिलिटी वगैरह यूज कर लेंगे एंड सब सेंटर में 1 हील डाल देंगे। सब कुछ सेंटर आ चुका है एंड ऑलमोस्ट बेस यहाँ पर डाइड हो चुका है, 1 फ्रीज कर लेते हैं एंड इट्स इनफ फॉर दिस आई थिंक। एंड यहाँ पर अपन वार्डन एबिलिटी यूज करेंगे, क्वीन वॉक वगैरह मर चुके हैं, अपन यहाँ डाल लेते हैं 1 येटी एंड इजी यहाँ पर 1 और हील स्पेल एंड यहाँ यूं ही मैं डाल देता हूँ ये, इधर 1 बेबी ड्रैगन आ जाएगा। लून बचा हुआ है, अपन लून डाल लेते हैं यहाँ, आर्चर वगैरह बची हुई है वो डिप्लॉय कर लेते हैं एंड मतलब काफी अच्छा यूज हो सकता है यार इस स्पेल का, बस करना है। एंड मैं कुछ अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन पे इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करके आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह से पर्टिकुलरली
इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज कर काफी अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हो इनविजिबिलिटी स्पेल से। तो यहाँ पर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है बेस में, एंड ये हो चुका है बेस एंड, मतलब हो जाएगा थ्री। चलिए अपन तो एंड कर देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अब चलिए मैं वापस से चैलेंज देता हूँ, लाइक मैं एक बार बेस देख करके चैलेंज करूंगा। सो यहाँ पर अपन को अब करना है सेंटर टाउन हॉल बेस से चैलेंज। आ चुका है हाइब्रिड अटैक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, अब मैं थोड़ा कुछ अलग चीज करूंगा एंड वापस से अपन अटैक पर चलेंगे। अब अपन ट्रूप्स के ऊपर डालेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल, देखते हैं क्या होगा। एंड एक साइड में अपन को डालना है सिज बैरक, एंड इधर डाल लेते बेबी ड्रैगन। उधर का फनल हो गया क्वीन एंड हीलर एंड लून। अब क्वीन को नीचे वाली तरफ आने देते, फिर सेंटर से मैं डालूंगा खॉग माइनर में, उनके ऊपर इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करने वाला हूं। तो ये कुछ डिफरेंट तरीका है, एक बार यूज करके देखते हैं कैसा होगा। इधर एक एटी डाल लेते हैं ताकि क्वीन अपर ना जाए, अगर चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट नहीं गई। चलो क्वीन नीचे आ गई, उधर से पेक्का वगैरह निकल लिए। अब जो मेन मतलब बोल सकते हो आप, जो फनल क्रिएट होना होता है वो हो चुका है होग और माइनर्स के लिए। यहाँ पर फनल क्रिएटेड सक्सेसफुली, उस तरफ से और होग आ गए। अब अपन यहाँ से डिप्लॉय करने वाले माइनर, यहाँ से होग एंड आइस गोलम। वैसे क्वीन पे मेरा ज्यादा ध्यान नहीं है। अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इनविजिबिलिटी स्पेल ताकि होग मेरे आगे की तरफ आएगी। अभी देख सकते होग आगे की तरफ आ गया, हील एंड रेज करेंगे, फ्रीज करेंगे। एंड अभी देखो यार, मैं अगर टाउन हॉल के ऊपर अभी इनविजिबिलिटी स्पेल का अपन यूज करेंगे ये यहाँ, तो गाइज मैंने यहाँ डाला, देख सकते हो क्या बेनिफिट नहीं हुआ, क्या हॉग स्कैटर शॉट को छोड़ करके आगे चल गए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप कोर में सेंटर में आकर अगर इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करोगे तो वो वेस्ट ऑफ कॉस्ट होगा। तो आपको ये नहीं करना, जैसा कि मैंने शुरुआत वाले अटैक में बताया कि आप इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज कहां कर सकते हैं, लाइक जो सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, सीधा अगर आप उनके अगेंस्ट में आकर टारगेट कर रहे बेसिस को तो बेनिफिट होने वाला है। चलिए एक और चैलेंज आया, अब इसमें अपन क्वीन वॉक के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं दो इनविजिबिलिटी स्पेल, एक रेज है। चलो अपन थोड़ा इनविजिबिलिटी स्पेल थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि और अच्छे से अपनी क्वीन वॉक हो पाए। So, देखते हैं। अभी गाइस आप सभी को पता है यहाँ पर सारे के सारे हीरोज हैं, सब कुछ है, तो मैं सेंटर टीएच अटैक ही करने वाला हूँ। इधर की तरफ एक एटी डाल लेते हैं, इस तरफ एक बेबी ड्रैगन, ये केवल फनल के लिए। अब यहाँ से क्वीन आएगा, यहाँ लून आएगा, यहाँ हीलर आएंगे। एंड इसमें सारे ट्रैप इस तरफ ही, इस तरफ से एंट्री लेना थोड़ा हार्ड होता है, तो मैंने लिए, बट फिर भी बाय द वे आई नो सारे इधर ही है ट्रैप, बट उसके बाद भी अपन ने लिए। अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये आ गया इधर, मैंने यहाँ डाल दी केवल एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो गाइस देख सकते हो वो अभी क्वीन आगे जा रही है एंड क्वीन टारगेट में ले रही है, अपन वापस से इनविजिबिलिटी स्पेल डालेंगे एंड किंग बाहर गया, और वैसे किंग को भी टारगेट में लेने लग गई क्वीन। तो ठीक है अभी आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके अब एक कोर इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करेंगे, किंग वापस चला गया, क्वीन इजीली अंदर चली गई। सो देखते जाओ, अभी स्कैटर शॉट वगैरह है, सो या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। एंड अब अपन यूज करेंगे रेज के अंदर अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल, क्योंकि डबल डबल स्कैटर शॉट यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। क्वीन इजीली सर्वाइव कर लिया, आपने देखा होगा क्वीन को कोई भी डैमेज नहीं हुआ, क्वीन सर्वाइव कर ली एंड डबल फ्रीज कर देंगे। तो सीधा टीएच साइड से मैंने क्वीन वॉक को अंदर डाल दिया एंड काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है क्वीन अभी तक तो, एंड काफी डिफेंस डाउन भी हो चुके। एक और अपन रेज करेंगे, पॉइजन कर देंगे सीसी पे आइस गोलम, एंड पीछे की तरफ से और भी ट्रूप अपन डिप्लॉय करेंगे, देखते क्वीन क्या कर पाएगी। बट अब स्कैटर शॉट वगैरह टारगेट में करने लग गया, क्योंकि मेन कोर डिफेंस ही यही है बेस का, सेंटर जहां से मैंने एंट्री ली। तो इनविजिबिलिटी स्पेल कहां आप यूज कर पाओगे, तो आई थिंक द आंसर इज इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करो क्वीन वॉक में। अगर येटी स्मैश कर रहे हो तो कुछ कुछ होता है ऐसा एरिया जब येटी पीछे रह जाते हैं, उन पर डबल डबल स्कैटर शॉट टारगेट हो जाते हैं और येटीज को मार रहे होते हैं, तो इन स्कैटर शॉट पे डाल दो, स्कैटर शॉट मारना बंद कर देंगे, तो उस जगह भी आप अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज कर सकते हो। तो काफी बेनिफिट देने वाली है स्पेल, बट अभी थोड़ा और इसको डीपली ट्रेन कर एक्सपीरियंस करने में तो टाइम लगने वाला है। एंड मेन बेसिकली जो था वो यही था, एंड मैं ट्राई करता हूँ आपको एक और चैलेंज देने की। होल्ड ऑन लाइक स्टार्ट किया है, अब अपन एक बार येटी लेकर जाएंगे है ना। ठीक है डिलीट करते हैं आर्मी, अपन येटी ले लेते 8 9 9 येटी की जगह 4 हीलर्स, डबल लून, कुछ बॉलर ले लेते हैं, डबल बेबी ड्रैगन, 4 फनल, आइस गोलम, ड्रेस ये और बढ़ा लो, एंड कुछ विजर्ड एंड आर्चर्स रख लेते हैं। स्पेल में 2 हील, 2 रे, 2 फ्रीज ये, एंड इनविजिबिलिटी स्पेल अभी नहीं लिए मैंने। चलो अपन ले लेते हील की जगह
हील इसमें क्या काम का, हील हटाई लेते हैं, दो दो तीन चार इनविजिबिलिटी स्पेल एंड रेज लेकर एक बार एक अटैक करते हैं। एक बार रुको, न्यू वाला बैटल मशीन है उस पर एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तो मैं इधर रख लेता हूँ ये सब कुछ सेव एंड नाउ लेट्स गो जंप इनटू द अटैक। अब देखते हैं मैं स्कैटर शॉट जो है उस साइड से येटी डिप्लॉय करके इनविजिबल स्पेल को मैं डालने वाला हूँ कहाँ पर, ईगल पर। क्या ईगल पर वर्क करता है, क्या इन सब चीजों को वो मतलब कर देता है। तो बेबी बेबी डबल कॉर्नर साइड में अब यहाँ पर आने वाले येटी डबल लून एंड ऑल हीलर्स। सो अभी देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आइस गोलम किंग क्वीन सब डाल दिए मैंने। अब ईगल टारगेट कर रहा है, अब ठीक है करने दो उनको। मैं यहाँ पर अभी येटीज अंदर आ रहे, अब मैं यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल डालूंगा। क्या स्कैटर और ये सब कुछ गायब हो जाते हैं। अब देखते हैं अटैक में क्या ये टारगेट कर रहे हैं या गायब हो रहे। सो गाइस आई थिंक कि गायब हो रहे हैं एंड थोड़ा स्लो मोशन में देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो सब कुछ सेंटर तो आ गए। वार्डन चचा डाल लेते हैं अपन एंड फ्रीज फ्रीज। अब इनविजिबल स्पेल खत्म हो चुकी है। थोड़ा रिप्ले देखना पड़ेगा इसमें, क्या स्कैटर शॉट इनविजिबल स्पेल के बाद भी टारगेट किए अपने ट्रूप्स को या नहीं किए, तो वो अपन को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, टाउन हॉल वगैरह तो टेक डाउन कर ही लेंगे। तो ठीक है, इतना बहुत है। एक बार एंड बैटल करके रिप्ले में मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेरी इनविजिबिलिटी स्पेल उनके एनिमी के डिफेंसेस पे वर्क करी क्या। तो अपन यहाँ पर करने वाले स्लो मोशन। तो एक एक बेबी ड्रैगन डाला, थोड़ा तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं एंड अभी आगे जाने दो। एंड नाउ गाइस अब अपन को देखने को मिलेगा इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज एंड देखते हैं वो स्कैटर शॉट। उसके बाद भी यहाँ पर मैंने रेज किया एंड रेज के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक इनविजिबिलिटी स्पेल डाला। आप देख सकते हो इन्फर्नो रेगुलरली टारगेट कर रहा है, एक्सबो रेगुलरली टारगेट कर रही है एंड डिफेंसेस भी रेगुलरली टारगेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये अपने ट्रूप्स को ही गायब करेगी। ये एनिमी के डिफेंसेस अगर है ऑलरेडी टारगेट क्लेम कर चुके तो वो मारते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो किसी किसी के माइंड में ये था कि वो भी नहीं मारेंगे ट्रूप्स को, बट ऐसा नहीं है, वो मारेंगे। तो अब यार स्पेल के मतलब बेनिफिट भी है और कुछ मतलब उल्टा भी है कि अटैक खराब भी कर सकता है ये स्पेल। तो बहुत केयरफुली इसको यूज करना पड़ेगा एंड मे बी अब ये यूज क्या होने वाली है। आई थिंक डेफिनेटली क्वीन वॉक वाली जो साइड रहने वाली है या फिर सिंगल टारगेट इन्फर्नो मतलब सीज मशीन पे तो वर्क करेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से तो क्वीन वॉक में इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज होगा। तो अब आप बताइएगा आप कहां पर यूज करने वाले मेनली इस स्पेल का। तो ये रही स्पेल के ऊपर वीडियो, आई होप आपको थोड़ा एक्सप्लेन करा होगा मैंने। आपको कुछ अच्छा लगा वीडियो में तो मेक श्योर टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर अपलोड होती रहती है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, 25,000 सब्सक्राइबर के काफी क्लोज आ चुके, जल्दी से कंप्लीट करना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस ट्विटर इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां कहीं भी सपोर्ट करना चाहो तो वहां भी आप आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, क्लैश यर्स।